हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स सब मजे में होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। और अभी देख लीजिए, ऊपर छत पे बैठी हूँ। तो ऊपर छत पे काई के लिए आई, जैसे कि आपको पता है कि अभी दिवाली की साफ सफाई चल रही है। तो अभी नीचे है ना, साफ सफाई कुछ भी नहीं किया है, अभी शुरू ही नहीं की नीचे साफ सफाई करना, क्योंकि नवरात्रि में की थी ना, जब से अभी तक की नहीं है, नवरात्रि में ही की थी, तो बस आज से लगे हैं। तो मैं क्या बोल रही ना भावना को कि पहले ऊपर का कर लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर कल से नीचे का शुरू करेंगे। क्योंकि ऊपर का इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर का एक बार अभी हो जाएगा ना, तो फिर दो चार दिन बाद फिर से कर देंगे। क्योंकि आपको पता है बंदर रोज आते जाते हैं, तो बंदर बहुत ज्यादा गंदा कर देते हैं, बस इसीलिए। और देखिए, कल करवा चौथ थी, उसके बाद की अभी तक नहाई नहीं हूं मैं। और ये पल्लू कैसे डाल रखा है मैंने, सीधा पल्लू डाल लिया है, तो बस काम में लगी थी ना, तो बस इसके लिए। और अभी देखिए भावना निकाल रही है झाड़ू, अब मैं जाती हूँ तो मैं भी झाड़ू लगाऊंगी। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितना ज्यादा गंदा हो रहा है, तो बस ये है ना बंदर कर देते हैं। और लीम के पत्ते वैसे भी अभी खिर रहे हैं, तो बस अभी हो जाएगी ना, फिर दो चार दिन बाद फिर से कर दूंगी। तो देखने वाले को तो ऐसा लगता है कि जैसे झाड़ू निकालते ही नहीं होंगे, मतलब दो से चार दिन हो जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी हाँ एक दिन हो जाता है कि नहीं निकालते हैं, लेकिन रोज निकालो ना, फिर भी रोज इतने के इतने ही पत्ते मिलेंगे लीम के, इतने ज़्यादा पत्ते खिर रहे हैं लीम के। और वो उनके मन से अगर खिर जाते हैं तो फिर इतने नहीं खिरते हैं, लेकिन बंदर है ना इतने ज़्यादा खिरा देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। तो बस ये देखिए झाड़ू लगा रही हूँ मैं, और अभी नहाना है मुझे, तो अब झाड़ू लगाने के बाद जाकर नहाऊंगी मैं। और आपको दिख रहे होंगे फ्रेंड्स पौधे की क्या हालत कर दी है, मतलब पौधे तो रहने ही नहीं दे रहे हैं अब तो मेरा, है ना। ये देखिए आपको दिखा रही हूँ क्या हाल कर दिया है पौधे का, मतलब लग ही नहीं रहा है कि पौधे हैं। ऐसा नहीं ये पानी नहीं डाल रहे, पानी यानी सब डाल रहे, पर फिर भी बंदरों के आगे मैं बहुत परेशान हूँ। मैं भगवान बालाजी से बोलती हूँ कि इनको है ना हमारे छत से दूर रखिए, क्योंकि ना तो मैं कुछ सुखाने की हूँ, ना कुछ भी नहीं है, ये पेड़ पौधे को भी नहीं रहने देते हैं, कुछ छत पे मैं सूखने को भी नहीं डाल सकती हूँ। और कल करवा चौथ थी ना, तो करवा चौथ से कपड़े रखे थे, कल नहीं धुले थे, तो बस वो कपड़े भी मैंने आज धुल लिए हैं। और उसके बाद देखिए नहा कर आ गई हूँ अभी, तो बस नीचे आने के बाद थोड़ा बहुत काम किया था, उसके बाद फिर ये देवान सरसिता को स्कूल गई थी लेने के लिए, तो स्कूल से लेकर आ गई थी, फिर कोचिंग छोड़ने गई थी। कोचिंग छोड़ के आने के बाद ये देखिए सूरन लेकर बैठी हूँ, तो अभी सूरन की सब्जी बनेगी। तो ये सूरन है ना देसी सूरन है, तो ये देखिए मैंने काट ली इसको, और काटने के बाद इन छोटे छोटे से फिश कर रही हूँ मैं, इसके छोटे छोटे से गट्टे कर रही हूँ। तो ये है ना चाकू से कर रही हूँ मैं, एकदम पतले चाकू से, तो जल्दी हो जाता है, नहीं तो फिर है ना एकदम से देर लगती है काटने में। तो बस ये देखिए काट लिए, और काटने के बाद फिर धो ली इसको, और धोने के बाद यहाँ पे पानी में डाल रही हूँ मैं, तो उबालने को रखेंगे, उबाल लूँगी पहले, उसके बाद फिर सब्जी बनाऊँगी। तो हर बार ऐसे ही बनाती हूँ, और सर्दियों में है ना चार से पांच सब्जी बन ही जाती है हमारे यहाँ पे सूरन की। तो अभी है ना पहली सब्जी बन रही है, अभी नहीं बनाई थी, बस ये आज ही बना रही हूँ मैं, तो पहली सब्जी बन रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या सामान ले लिया है, सब हरी मिर्ची के टुकड़े कर लिए, मूंगफली के दाने ले लिए हैं, टमाटर ले लिए हैं, अदरक ले लिया है, और हरा धनिया तो वैसे ऐसा ही रखेंगे, लहसुन ले लिया, प्याज ले लिया है। तो ये सब मुझे पीसना है, बस हरा धनिया को छोड़कर ये सब पीसना है मुझे। और मटर के दाने हैं वो मैंने धोकर रख रखे हैं अभी, तो फिर सब्जी बनाएंगे ना जब सब्जी में डालेंगे। और यहाँ पे हस्बैंड जी बोल के गए थे कि मक्के की रोटी बनाना, तो मक्के का आटा तो मिला नहीं, तो फिर बाटी बनाऊंगी। और मेरे हस्बैंड जी को सूरन की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये देखिए इतनी सी लहसुन है ना मिक्सर में कहाँ घुमाती, तो साथ में अदरक भी डाल दूंगी, तो अदरक और लहसुन साथ में पीस लूँगी। और अब ये सब मसाले पीस रही हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए बाटी को सेक लिए मैंने, और सेकने के बाद ये तपेली में रख दिया है घी लगा कर, और आज हल्दी नहीं डाली है बाटी में, इसलिए वाइट वाइट दिख रही है। और ये देखिए सूरन अच्छे से उबल गई है, गल गई अच्छे से, तो अब छील रही हूँ मैं इसे, तो छील लेते हैं। ठंडी होने के बाद ही छीली थी मैंने सूरन को, गरम गरम नहीं छीली थी, ठंडी हो गई थी उसके बाद ही छीली थी। और यहाँ पे देखिए कढ़ाई में तेल रख दिया है, तो तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया, हो जाएगा ना, उसके बाद फिर सूरन डालेंगे।
तो ये तेल जो मैं फ्राई करूँगी ना सुरन, वो बच जाएगा हमारा। तो उसके बाद उसी तेल में हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था। उसके बाद फिर ये सुरन को मैंने बारीक काट ली है, चाकू से कट कर दी है बारीक, और उसके बाद फिर तेल में डाल दिया है और फ्राई कर लेंगे। आप अगर नहीं फ्राई करना चाहो फ्रेंड्स तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे छोटे बच्चे हैं ना तो फिर वो एकदम से क्या जीभ पर चिटचिटाता है थोड़े, मतलब थोड़े कांटे जैसा चुभता है, तो बस इसीलिए फ्राई कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है, बच्चे भी खा लेते हैं आराम से सब्ज़ी। तो ये देखिए फ्राई कर ली है मैंने, और हल्का सा सुनहरा कलर हो गया है, फिर निकाल रही हूँ। और ये निकालने के बाद में ये देखिए जो तेल बचा था ना उसी तेल में मैंने गरम मसाला और तेज पत्ते डाल दिए हैं, और तेज पत्ते गरम मसाला डालने के बाद प्याज डाल रही हूँ। तो बस ये प्याज को थोड़ी देर तक मैं हल्का सुनहरा होगा जब तक मैं पकाती रहूँगी इसे, और फिर प्याज पकने के बाद में ये देखिए प्याज हल्के सुनहरे हो गए। उसके बाद हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन ये तीन ही मैंने साथ में पीसे थे तो ये डाल दिए हैं। और ये डालने के बाद में देखिए अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है इसका, सुनहरा कलर आ गया। तो लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है, और लाल मिर्ची पाउडर डालने के बाद में थोड़ा गैस चालू था ना मेरा तो मिर्ची जल रही थी, इसलिए सीधे मैंने टमाटर डाल दिए हैं पीसे हुए, जो पीसे थे ना टमाटर वो डाल दिए हैं। और टमाटर डालने के बाद में फिर डाला है मैंने हल्दी पाउडर। तो बस हल्दी पाउडर डालने के बाद में नमक डाल दिया है, और इस तरीके से मसाले डाले थे मैंने। उसके बाद फिर गरम मसाला डाल दिया था थोड़ा सा, और फिर सब्जी को मैंने मसाले को अच्छे से पकने दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद मसाले को अच्छे से पकने देंगे थोड़ी देर तक। तो ये देखिए मसाला हमारा पक गया है, और मसाला पकने के बाद मैं ऐसे ही ना थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाती रही। उसके बाद अब मूँगफली के दाने डाले मैंने, जो पीस के रखा था पाउडर बनाकर वो मूँगफली के दाने डाले हैं, और फिर इसे भी ऐसे ही चलाती रहूँगी थोड़ी देर। और मूँगफली के दाने हमारे थोड़ी देर तक मसाले में ऐसे ही पकने दिए। उसके बाद फिर मटर के दाने डाल दिए हैं, और ये मटर के दाने वही है जो मैंने धोकर रखे थे, वही मटर के दाने हैं। उसके बाद फिर सूरन की सब्ज़ी जो फ्राई करके रखी थी ना वो डाल दी है, और सूरन डालने के बाद में मसाले में मैंने एक जैसे मिला ली थी इसको, और चलाने के बाद में फिर इसके अंदर पानी डाल देंगे फ्रेंड्स। और आप चाहो तो ऐसी सूखी भी खा सकते हो, ऐसे मसाले में बनाकर भी खा सकते हो, बहुत अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी खाने में सच में। तो ये देखिए पानी डाल दिया है मैंने, और पानी इतना ज़्यादा डाल रही हूँ ना मैं कि मतलब अभी भी हो जाएगी हमारी और सुबह भी हो जाएगी, दोनों टाइम के लिए बन गई है सब्ज़ी, सुबह की और अभी की। क्योंकि सूरन की सब्ज़ी अच्छी लगती है ना तो कभी भी बनती है तो थोड़ी ज़्यादा ही बना लेती हूँ, क्योंकि सबको ही घर में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये दोनों टाइम की सब्ज़ी बन गई है हमारी, अभी की और सुबह की। तो फ्रिज में रख दूँगी तो ख़राब नहीं होगी, सुबह फिर से गर्म कर लेंगे हम। और ये देखिए सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो हरा धनिया डाल दिया है मैंने, और हरा धनिया डालने के बाद में अब मैं थाली तैयार कर रही हूँ। तो ये थाली फ्रेंड्स आपके लिए लग रही है, तो आ जाइएगा आप भी खाना खा लीजिए। ये देखिए सूरन की सब्ज़ी, नींबू, प्याज और बाटी रख दी है। तो आ जाइए फ्रेंड्स आप भी गर्मा गर्म खाना खा लीजिए, और आज की मेरी थाली आपको कैसी लग रही है बताना ज़रूर। और चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो जो दोस्त मेरे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और वीडियो पसंद आने के बाद शेयर कर देना। और चलिए ओके बाय बाय, कल मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।